मेरे पेरेंट्स नहीं है ना, आई नेवर सीन माय फादर, नॉट इवन अ फोटोग्राफ ऑफ हिम। वालदा के इंतकाल के बाद? नहीं नहीं, पहले ही। ज्यादा नहीं मैं सोशलाइज करती। कोई चीज महसूस करती है अब, खुशी जिस पे बहुत ज्यादा होती हो? बस मुझे यही होता है, जब मैं घर जाना होता है, लीव पे जाती हूँ, तो उसी के लिए आई लिव। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों। मैं फाउंटेन हाउस में मौजूद हूँ, मेरे साथ समीना है। समीना कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैम। कब से यहाँ हैं? मैं मिस्टर अबाउट मोर देन 11 इयर्स के मैं यहाँ रह रही हूँ। मोर देन 11 इयर्स जी। किसके साथ यहाँ आई थी आप? मैम मेरी ही है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है ना जी, तो फिर मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई व्हेन आई वाज वेरी यंग, बिल्कुल मैं एक महीने की थी। अच्छा। तो आई नेवर सीन माय फादर, नॉट इवन अ फोटोग्राफ ऑफ हिम। और माय मॉम वाज अ डॉक्टर, मेरी डॉक्टर, तो वो उनका तो शी डाइड अबाउट 6-7 इयर्स अगो। तो फिर मेरी ये था कि तबीयत खराब थी तो कोई था नहीं, और फिर मेरे जो गार्डियन है, मेरे फर्स्ट कजन है वो, जी जी, तो वो ही लेफ्ट मी हियर, और वो लोग फिर खुद भाई भाभी वगैरह सब अमेरिका माइग्रेट कर गए, तो वो वहाँ माशाल्लाह सेटल्ड है, तो वो ड्यूज वगैरह मेरे सब भेजते हैं वो वहाँ से। हाँ ठीक है, तो आप यहीं होती हैं जी। तो कभी जाती हैं मिलने के लिए भाइयों बहनों कजन से? मैं बस कजन से मिलने जाती हूँ लाहौर में जो है। ठीक है जी। तो बेसिकली आपने बताया कि यू आर फ्रॉम इस्लामाबाद। आई यूज्ड टू लिव इन इस्लामाबाद विद माय मॉम, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई। वालदा के इंतकाल के बाद? नहीं नहीं, पहले ही। पहले ही आ गई थी, यानी आपने बताया कि ऑलमोस्ट 11 साल से ज्यादा हो गया यहाँ पे। तो जो आपकी फैमिली बाहर सेटल होगी वो कभी आते हैं फोन पे बात करते हैं? हाँ वो आते हैं, जब वंस एवरी अदर ईयर यहाँ पे पाकिस्तान आते हैं तो मेरी भाभी मुझसे जरूर मिलती हैं, बच्चियाँ हैं वो जरूर मिलती हैं मुझसे। और वैसे जो यहाँ पे हैं मेरी कजन्स वगैरह, वो मैं लीव पे जाती हूँ। अभी मैं दिसंबर में गई थी। ठीक है। 5-7 डेज की लीव पे मैं एवरी 2-3 मंथ्स जाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आपकी क्या एक्टिविटी होती है? मैंने सुना ये जो सामने टक शॉप है ये आपकी है? जी नहीं, मेरी तो नहीं है, फाउंटेन हाउस की है जी। और वो मैडम बहुत इंकरेज करती हैं हम लोगों को, आना है सही। और वहाँ पे पहले स्प्रिंग रोल्स, फ्राइज, ऐसी चीजें भी हम लोग बनाते हैं। अब वो शायद फिर शुरू करें विद हेल्प ऑफ आया बाजी, तो हम लोग मैनेज कर लेंगे ना। ठीक है। तो फिलहाल तो स्नैक्स वगैरह होते हैं। अभी आपको खुद क्या क्या बनाना आता है? मुझे कोई खास चीज इतनी अच्छी नहीं आती। अच्छा। बस मैं हेल्प आउट करके अच्छा करने के लिए विलिंग भी हूँ, ठीक करती थी जब तक होता था यहाँ पे। ये बैग आपका बहुत प्यारा है, ये कहाँ से आया? ये मेरी वो है फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, बल्कि स्कूल फ्रेंड, वो लंदन में रहती हैं, डॉटर ने ये, तो वो मुझे गिफ्ट्स वगैरह भेजती रहती हैं। बहुत प्यारा बैग है। आपने पढ़ा क्या? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। कहाँ से? पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो मेरी जो सब्जेक्ट्स थे वो होम इकोनॉमिक्स, ये साइकोलॉजी और पर्शियन थे। अच्छा, तो यहाँ आप फाउंटेन हाउस में हैं, यहाँ पे आपकी फ्रेंड्स हैं? हाँ जी हाँ। कौन कौन अच्छी फ्रेंड्स हैं? रेहाना ही है, वो हम लोग साथ होते हैं कैंटीन में, तो इस तरह बाकी भी है। मैं थोड़ा अलूफ ही रहती हूँ, उतना ज्यादा नहीं मैं सोशलाइज करती। वैसे जो एक दो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बातचीत चलती है, और बस इस तरह से, और टीवी देख लिया, बुक पढ़ ली, कुछ इस तरह से बस रहते। आपको बुक रीडिंग का शौक है जी? कौन सी आपकी फेवरेट ऐसी किताब है या लिखने वाले हैं? सिडनी शेल्डन बहुत इंस्पायर करते हैं मुझे। और टुमॉरो कम्स है, नेकेड फेस है, इस तरह की तमाम मैं उनकी बुक्स है सिडनी शेल्डन, हाँ वो मैं पढ़ी, काफ़ी पढ़ी है, सब तो नहीं काफ़ी पढ़ी है। तो सबसे फेवरेट बुक कौन सी है? If tomorrow comes, If tomorrow comes. जी जबरदस्त, ये देखें कितना लिखने पढ़ने का इनको शौक है, बल्कि पढ़ने का ज्यादा शौक है, और विलिंग होती है कि एक्टिविटीज करें। तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी होती हैं, हाँ म्यूजिक भी होता है और मुख्तलिफ फिजिकल एक्टिविटीज, तो सबसे ज्यादा आपको किस में मजा आता है? मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, टीवी वगैरह पे देखती हूँ। वैसे इंग्लिश म्यूजिक में मुझे ब्रायन एडम्स बहुत पसंद। अच्छा। और रॉक्सेट बहुत पसंद है, ये सब मुझे पसंद है।
मूवीज देखने का शौक है? जी जब मैं घर जाती हूँ फिर वहाँ पे मैं देखती हूँ ना एलसीडी वगैरह पे, जबरदस्त डीवीडी देखती हूँ। कौन से फेवरेट एक्टर्स हैं? फेवरेट एक्टर्स मेरे हैं शिवी चेज़ एक और जॉन ट्रैवोल्टा, और लड़कियों में है सिंडी क्रॉफर्ड, वो मॉडल भी है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वर्कआउट उसका है ना। यस 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 यस, यानी आपको इस तरह की इंग्लिश मूवीज देखना पसंद है, अंग्रेजी किताबें पढ़ना पसंद है। मैंने प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक किया था ना, उस वक्त वहाँ पे रन्स होती थी हमें जो पढ़ाती थी। अच्छा, मिशनरी स्कूल था क्या? जी जी मिशनरी स्कूल, अभी है लेकिन आई हर्ट की अब नन्स वाला चली गई है। अच्छा, बट जब मैं थी तब तो नन्स ही हमें टीच करती थी। ठीक है, बहन भाई कितने हैं आपके? मैं बहन भाई नहीं है, मैं बस लाइक अकेली हूँ। बाकी सारे आपने कहा पाकिस्तान से बाहर चले गए? वो कजन्स हैं मेरे। अच्छा, वो सब कजन्स हैं, आप एक ही? जी जी। अच्छा ठीक है, अपने पेरेंट्स का एक ही बच्चा थी, अब वो दोनों नहीं है तो आप यहाँ। अब कोई चीज महसूस करती है अब खुशी जिस पे बहुत ज्यादा होती हो, अच्छा लगता हो? बस मुझे यही होता है जब मैं घर जाना होता है, लीव पे जाती हूँ तो उसी के लिए आई लिव। ज्यादा खुशी आपको घर जाके होती है? चलें जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, पहले भी मैं मिली थी आपसे, अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा लगा। जी 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 जी, तो आपने बातें सुनी समीना की, कितनी माशाल्लाह से पढ़ी लिखी हैं, कितना एक्टिव हैं, सब काम करती हैं, खुश रहती हैं, उनका जी चाहता है कि वो घर चली जाएं, लेकिन बस बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग मौजूद नहीं होते, या जो मौजूद होते हैं वो उस तरह इतने वेलकमिंग नहीं होते। लेकिन जो इनके कज़न्स हैं वो चाहती हैं कि ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारें, तो आप लोग भी आते रहा करें, समीना से मिलते रहा करें, हमें तो मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू समीना। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।